तो इतना गर्म पानी मुझे पता ही नहीं चला बहुत गर्म है, मैंने पिया और मुझे एहसास हुआ बहुत गर्म पानी, और आसपास मेरे इतनी भीड़ कि मैं आउट ऑफ एम्बेरस कि मैं एम्बेरसिंग फील करूंगा, मैं कुल्ला नहीं किया उस पानी को, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं सबसे पहले जिम नहीं जा रहा, एक बार मम्मी को लेके मेरे को आना है, कुछ सामान लेने जाना है, प्लस मम्मी को एक बार डॉक्टर के भी जाना है। तो फिलहाल अभी मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, जिम देखते हैं, आज मैं दोपहर में ही जाऊँगा। गर्मी होती है दोपहर में बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। शाम को भाई मैं खेलने भी चला जाता हूँ शाम को, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं तो शाम को जिम नहीं जा सकता, और अगर रात को गया तो अगले दिन सुबह नहीं जा सकता। इसलिए मैं अभी आके मम्मी को लाने के बाद दोपहर में चलेंगे जिम, और देखता हूँ फिर शाम को अगर टाइम लगाना तो एक बार बाइक धुलवाने भी चलने, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो सबसे पहले एक बार मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ, मैं और मम्मी ही जा रहे हैं, एक बार मम्मी को लेके जाना है मुझे सामान लेने, तो चलते हैं। तो चलते हैं भाई। भाई फिर लेने आ गई मेरी मम्मी घिया तोरी, टमाटर घिया तोरी, एक किलो मंगा दे टमाटर। आगे से आएंगे, आगे से आएंगे। और तेरे कितने पैसे बचे? कहा इतने सारे घिया भी गए थे कुछ दिन पहले, उनकी मम्मी ने लोज बना दी तो उनकी लोज बन गई। अभी फिर घिया तोरी लेने आ गए मम्मी, टमाटर पेठा। तो यहाँ मम्मी ने दोस्त बना लिए। कह रही है पैसे भी मत दो, बताओ साड़ी वाड़ी लेके जाऊंगी मैं, साड़ी धरी थी तय होगी, पैसे तू दे जाइए, पैसे भी दे देंगे, पैसे भी दे दियो, पैसे भी दे दिए, सब्जी भी ले ली, और मम्मी कुछ दे जाना बालकों के कपड़े वपड़े। कपड़े तो थारी सफेद पैंट वेंट से पड़े, कुर्ता पड़ा ले आऊंगे, दो पैंट और शर्ट थारी को ही हो तो। ऐसे लोगों की हेल्प कर देनी चाहिए, सही रहता है। बेचारे यहाँ रहते हैं और यहीं खेतों की देख रेख करते हैं, पेड़ पौधे सब्जी पबजी, मम्मी इनमें ही रहोगे क्या बस? तो यहाँ से सब्जी वगैरह काम हो गया, डॉक्टर का तो मम्मी हुआ ही, मम्मी हुआ है अभी सब्जी लेने आया, और मम्मी ने ब्लड दिया है ना, ब्लड दान करा, ब्लड दान वान तो तुम क्या ही करोगे, यहाँ से निकला, ब्लड टेस्ट करवा रही है मम्मी, बोल रही है कोई दिक्कत तो नहीं हो गई मुझे। हाँ दिक्कत है, दिक्कत है भाई। फिर चल रहे हैं घर, उसके बाद देखता हूँ मैं जिम। यहाँ रहते हैं भाई, देखना दोनों तरफ खेत खेत, बीच में इसमें रह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, इनके कपड़े लेके आएंगे। हाँ और तुम पे कोई एक्स्ट्रा साड़ी हो ना तो साड़ी ले आना, साड़ी लाऊंगी दो तीन दिन का, कितनी बातों नहीं है, 5 मिनट का काम। अरे मिर्च काट के छोटा देर लगा दी मेरी माँ ने, कल मैं बाजार गई इतनी सारी दे दी 20 रुपए में हरी मिर्च, और चुप नहीं रह सकती भाई, इतनी बोलने के कचरिया पचरिया ना बो रखी, देख लो कचरिया, और वो भी पूरा के खेत ले रखे, वो भी पूरी बात कर रही है। अच्छा सही है भाई, मम्मी कितना टाइम लगेगा? तो बस चल रहे हैं भाई, छोटा सा पेठा है इतना सा, एक क्या दे रहे उसे? तो भाई टमाटर नहीं मिला, पेठा मिला, तो अभी पेठा ले लिया, अभी निकलते हैं टमाटर देखते हैं आगे कहीं। हमारे यहाँ तो चारों तरफ खेत है भाई, हर सब्जी मिल जाती है, टमाटर वगैरह सब कुछ, वरना अपना छावला का बाजार तो है ही। अभी फिलहाल टमाटर रह गए हैं, और टमाटर के बिना कोई सब्जी बनती नहीं है, तो देखते हैं टमाटर वाला कहीं मिलता है खेत तो वहां से टमाटर ले लेंगे। भाई ये भी तो लोग हैं यार, कितनी गर्मी में रह रहे हैं, देखना तो बच्चा कितनी गर्मी में लेटा हुआ है। तो भाई घिया लेके घर आ गए हैं अब, चलो। तो गाइस जिम के लिए हो गया हूँ मैं एकदम रेडी, और भाई गंदी हो रखी है यार काफ़ी ज़्यादा, तो कल धुलवाएंगे, आज धुलवाता लेकिन मेरे माइंड से निकल गई। फिलहाल चलते हैं जिम, मम्मी घर पे है, गेट खड़खड़ा दो मम्मी आ जाएगी।
लेट्स गो। अब दो डंडे दिखा रही है बाइक पेट्रोल, अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे एक हो जाएगा और फिर वो एक भी ब्लिंक करने लगेगा। बाइक ले रही है अपने मजे, फुल एश चल रही है फुल। सही बात है, मैं इतना लंबा घुमा के क्यों जा रहा हूँ, मुझे ना यहाँ से जाना चाहिए जिम। तेरा भी माइंड पहले झटीग्रम मोड़ जाओ फिर वहां से जाओ, इससे अच्छा है डायरेक्ट है रास्ता, पर एक भी गड्ढा नहीं है, बिल्कुल मस्त रास्ता है। तो चलते हैं थोड़ा खींच के इस पे। खींचे तो तब जब गाड़ी साइड दे, टाटा पंच साइड दो भाई। आज सुबह जब मैं उठा था मैंने अपने फोन में टेम्परेचर देखा कि आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जा सकता है 38 डिग्री। आज तो फिर भी कम है, कल का दिखा रखा है कि होगा 41-42 और आने वाले कुछ दिनों में ऐसे ही रहेगा 40-50 के बीच में। मतलब कभी थंडर स्टॉर्म, कभी बारिश भयंकर वाली और कभी इतनी ज़बरदस्त वाली गर्मी। दिल्ली का मौसम हो रखा है बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब। पहुंच गए हैं जिम बुलेट के साइड में। गाइस अपनी बाइक खड़ी कर दी और ये देखो कितना कलरफुल हो रखा माहौल, रेड ग्रीन और ये मिलिट्री कलर और ब्लैक। चलो छांव में खड़ी आज, तो चलते हैं अंदर। सो हो गया भाई आज की एक्सरसाइज का कोटा पूरा, अब चलते हैं घर, खेलने भी जाना है। 6:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, लेट हो गया आज मैं। बहुत चिपका के बुलेट खड़ी कर रखी है यार, यहाँ पे अड़ेगी, किसकी हेल्प लूँ। एक हाथ से इसे हटाया है, एक हाथ से बाइक को निकाल रहा हूँ। चलो खेलने भी जाना है, अंधेरा होने वाला है, तो लेट्स गो गाइस। यार आज मैंने ना जिम में एक बेवकूफ़ी कर दी। मैंने क्या किया, वार्म वाटर पीने के चक्कर में ना ज़्यादा ही गर्म पानी पी लिया और मेरा ना पूरा गला मुंह जल गया, बिल्कुल फूड पाइप बिल्कुल जलन कर रही है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, ज़्यादा ही। मैंने पहली बार जीवन में इतना गर्म पानी पी लिया कि मेरा पूरा मुंह लाल हो रखा है, बेवकूफ़ी कर दी बहुत ज़्यादा वाली। लो भाई 36 पे ही पहुंच गए हम तो, और आज खेलने में बाइक ही लेके जाऊंगा तो सिर्फ हेलमेट रख देता हूँ। कैसा दाग लग गया, पानी से साफ हो जाएगा, फिलहाल खेलने चलते हैं। सो गाइस खेल के तो अब मैं घर आ चुका हूँ, लेकिन जो मैंने गर्म पानी पिया था ना, हुआ क्या एक्चुअली सेट के बीच में ना मैं थोड़ा सा एक से पानी पीने गया था और थोड़ा सा ना वार्म वाटर पीने गया था। एक पानी की बोतल 20 लीटर वाली जो होती है वो खाली हो गई थी, वो जो मशीन थी ना उसमें पानी था वो खत्म हो गई, तो वो जस्ट है ना पानी चेंज ही करा था, बोतल उसमें लगाई थी। मुझे लगा इतनी देर में मशीन ने क्या ही गर्म कर दिया होगा पानी, मैंने पानी भरा और उसमें ठंडा पानी मिक्स नहीं किया तो इतना गर्म पानी मुझे पता ही नहीं चला बहुत गर्म है। मैंने पिया और मुझे एहसास हो बहुत गर्म पानी और आसपास मेरे इतनी भीड़ कि मैं आउट ऑफ एम्बेरस कि मैं एम्बेरसिंग फील करूंगा, मैं कुल्ला नहीं किया उस पानी को, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपके साथ कभी ऐसा होगा भाई थूक दो भाड़ में जाए आस पड़ोस वाले लोग, मैंने वो निकल लिया गटक लिया पानी और मेरा पूरा यहाँ से जल गया बहुत बुरी तरह। उसके बाद मैंने ग्लास पे ग्लास ठंडा पानी पिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब पहली बार मैं मेरे को एहसास हो रहा है जैसे खोलता हुआ तेल हाथ पे नहीं गिर जाता या पानी नहीं गिर जाता और फोका पड़ जाता है। छाले अलग होते हैं, छाले मुंह में जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो फोका पड़ जाता है जो उबर जाता है जिसमें पानी बन जाता है ऐसा है मेरे जस्ट नीचे वाले दांतों के पीछे हो गया है।
और पूरा मुंह छिल गया। मैं कुछ पानी पी रहा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि मेरे गले में एक्स्ट्रा स्किन लटक रही है, मुझे लग रहा है अंदर से भी गले में बिल्कुल छिल गया और मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गर्म चाय बहुत पिया है, गर्म पानी बहुत पिया है, लेकिन ये तो बिल्कुल खोलता हुआ था, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी इतना गर्म कर देगी मशीन पानी। तो भाई आपके साथ कभी ऐसा होना तो बिल्कुल थूक दो, भाड़ में जाए, मुंह जलेगा, कम से कम पाइप तो तुम्हारी फूड पाइप तो बच जाएगी। अब मेरा मुंह तो जला ही जला, पूरा फूड पाइप में बड़ी तकलीफ हो रही है और पेट तक भी, हालत बेकार हो गई मेरी। गाइस अभी फिलहाल हूँ मैं ऊपर वाले कमरे में और मेरे से ना खाना भी नहीं खाया जा रहा, और मैं खाना खा रहा हूँ ना तो मेरे टेस्ट बड बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं कि मेरे को किसी भी चीज़ का ना टेस्ट ही पता नहीं चल रहा, प्लस अंदर से गला बिल्कुल छिल गया है। जीभ तो चलो टंग को तो आदत होती है थोड़ा गर्म फूड गर्म पानी वगैरह थोड़ा सा झेल लेंगे, लेकिन जो अंदर की स्किन है पीछे ऊपर की तरफ बिल्कुल लाल हो चुका है, मतलब बिल्कुल पानी से जल चुका है अंदर का मुंह। तो पानी मतलब किसी भी चीज़ का मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा और दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा गले में भी, तो ज़्यादा मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो फिलहाल इस व्लॉग को यार मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि गर्म पानी अगर आप गलती से पी लो तो एम्बेरस होने के चक्कर में है ना भाई, उसे निगलना मत, कोई भी गर्म चीज़ हो थूक दो, भाड़ में जाए दुनिया वाले, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मुंह में तो हो ही रही है, यहाँ भी हो रही है गले में, ऐसा लग रहा है कुछ स्किन जल के लटक रही है, पता नहीं क्या। सो गाइस फिलहाल इस व्लॉग को यार यहीं पे एंड करते हैं, इस व्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना इस व्लॉग को। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।